हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप देखोगे टॉप 6 बिग बूट स्पेस कैपेसिटी कार्स इन इंडिया। नंबर 6, फोर्ड फिगो। फोर्ड फिगो 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन में आ जाती है। पेट्रोल इंजन 96 पीएस का पावर और डीजल इंजन 100 पीएस का पावर जनरेट करता है। इस कार में हमें 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो डिमिंग RVM, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप जैसे और भी कई फीचर्स देखने मिल जाते हैं। इस कार की बूट स्पेस कैपेसिटी अराउंड 257 लीटर्स की। नंबर 5, फोर्ड फ्रीस्टाइल। फोर्ड फ्रीस्टाइल में हमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, पर इसमें हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है। इस कार के माइलेज अराउंड 18-23 KMPL का, और इस कार में हमें बूट स्पेस कैपेसिटी मिलती है अराउंड 357 लीटर्स की। नंबर 4, मारुति सुजुकी इग्निस। मारुति सुजुकी इग्निस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आ जाती है, जिसमें हमें 83 पीएस का पावर और 113 एनएम का टॉर्क देखने मिल जाता है। इस कार में हमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT गियरबॉक्स दिया गया है। मारुति सुजुकी इग्निस LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 15 इंच अलॉय व्हील्स, 70 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे और भी कई फीचर्स देखने मिल जाते हैं। नंबर 3, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी इग्निस में हमें 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 90 पीएस का पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो इस कार का माइलेज अराउंड 23 KMPL का। मारुति सुजुकी स्विफ्ट में हमें बूट स्पेस कैपेसिटी देखने मिल जाती है अराउंड 268 लीटर की। नंबर 2, ह्यूंडई i20। ह्यूंडई i20 दो पेट्रोल और एक डीजल ऑप्शन के साथ आ जाती है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 83 पीएस का पावर जनरेट करता है। दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 120 पीएस का पावर जनरेट करता है, और तीसरा है 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये इंजन 100 पीएस का पावर जनरेट करता है। इस कार में हमें 295 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है। नंबर 1, मारुति सुजुकी बलेनो। मारुति सुजुकी बलेनो में हमें पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ आ जाती है। इस कार का माइलेज है अराउंड 21 KMPL का, और ये कार ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे और भी कई फीचर्स के साथ आ जाती है। इस कार में 339 लीटर्स का बूट स्पेस कैपेसिटी दी गई है।